हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल. स्टे होम, स्टे सेफ. टुडे वी स्टार्ट एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10th एनसीईआरटी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5. आई होप यू लाइक माय वीडियो. कीप वाचिंग एंड सपोर्टिंग मैथ्स गुरु दिल्ली. बाय वंदना. ओके, आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 से 3.2 कंटिन्यू करेंगे. 4 तक हमने लास्ट वीडियो में बना लिया था, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से इसे कंटिन्यू करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, द हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन. क्वेश्चन समझना, हमें कह रहा है कि अर्ध परिमाप, हाफ पेरीमीटर एक रेक्टेंगुलर गार्डन आयताकार गार्डन का कितना है, 36 है, और इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसकी जो लेंथ है वो विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है. तो हमें फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन अर्थात एल और बी लेंथ और विड्थ फाइंड आउट करनी है. ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, तो लेट कर लेंगे. हमने लेट किया कि लेंथ ऑफ गार्डन क्या है, एक्स मीटर है, और विड्थ ऑफ गार्डन क्या है, वाई मीटर है. लंबाई और चौड़ाई हमने एक्स और वाई मान लिया. इक्वेशन क्या होगा, तो पहला हमें क्लियरली कह रहा था कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है. अगेन वही चीज, ये प्लस 4 हम इधर क्यों जोड़ रहे हैं, जब लंबाई अधिक है, जब इक्वल की साइन लगाते हो, मान लेते हैं कि ये 32 है और ये 28 है, क्लियर दिख रहा है कि ये 4 मीटर अधिक है. अब जब हम इक्वल का साइन यूज कर रहे हैं तो 4 तो यहां देंगे जब ही, तो इक्वल हमारा काम सेटिस्फेक्शन हो रहा है ये इक्वेशन, इसीलिए हम प्लस 4 वाई के साथ ऐड करेंगे, एक्स के साथ नहीं. बच्चे को इसके में काफी कंफ्यूजन होती है. ओके, सेकेंड है हमारा हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, मतलब अर्ध परिमाप रेक्टेंगल का कितना दे रखा है, 36. हमें पता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमने क्या पढ़ा था, 2 × L + B, जब हाफ लग रहा है तो हाफ लगा देंगे. आयत का परिमाप 2 × लंबाई + चौड़ाई, उसमें आधा लगा दिया क्योंकि अर्ध परिमाप है, बराबर 36. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, एल प्लस बी बराबर में 36. एल की वैल्यू हम एक्स रख देंगे, बी की वैल्यू हम वाई, क्योंकि शिफ्ट किए हैं कि सॉरी सिलेक्ट किए हैं कि लेंथ हमारा एक्स है और विड्थ हमारा वाई है. देन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 36. अब आप क्या देख रहे हो, हमें 2 इक्वेशन मिल गए, एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 4 एंड सेकेंड मिला एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 36. हमें चूंकि ये ग्राफ वाली चैप्टर है तो ग्राफ पे ही इसे सॉल्व करनी है. सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन पे काम करेंगे, एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 4. ओके, तो हम वैल्यू रखेंगे, उधर क्या है, वाई है, वाई की वैल्यू रखेंगे. 0 तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि सबसे इजी वैल्यू होता है कि पहला वैल्यू आप 0 रख लो, काम इजी हो जाता है, और सेकंड वैल्यू आप कुछ भी 1, 2, 3, 4 जो एज्यूम करना है कर लो. तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, वाई की जगह हमने क्या रखा, 0. वन वाई इज इक्वल टू 0 तो x क्या हो गया, 0 प्लस 4 4. तो जब y 0 रखा तो x 4 आया, जब y 1 रखेंगे तो 1 प्लस 4 5 आएगा, तो जब y 1 रखा तो x क्या आया, 5. ओके, जब हमने y 1 रखा तो x इज इक्वल टू 1 प्लस 4 5. पहले इक्वेशन का बॉक्स मिल गया, सेकेंड इक्वेशन पे चले, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36. बहुत सिंपल है, किसी एक को शिफ्ट कर देंगे, मैंने y को कर दिया, x इज इक्वल टू 36 माइनस वाई. अब फिर इस y की वैल्यू रखेंगे, जब मैंने y 0 रखा तो 36 माइनस 0 36, तो जब y 0 तो x 36 आया. ओके, जब y हमने 10 रखा, क्योंकि 36 है और 1, 2 रखते हैं तो ग्राफ काफी ऊपर चला जाएगा, 35, 36 बहुत लंबा हमें लेना होगा, तो 5, 10 ले लेंगे और ग्राफ पे भी हमारा यही डायमेंशन होगा 5, 10 का, ताकि ग्राफ इजी हो जाएगा और ज्यादा लंबा नहीं खींचेगा. तो हमने y 10 रखा तो x इज इक्वल टू 36 माइनस 10, x क्या आया हमारा, 26. यहां तक समझे, ग्राफ पे काम करें. पहला इक्वेशन का बॉक्स क्या क्या था हमारे पास, 0, 4, 1, 5. आप देखो ग्राफ, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 का ये हमारा लाइन है, x जब y जब 0 था तो x 4 आया, ये पॉइंट होगा 4, क्योंकि 5 का गैप है, दो दो लाइन हमारा हो जाएगा, तो y 0 x 4. सेकेंड भी इसी के पास था कि y 1 था तो x 5 था, तो x 5 जस्ट इसके बगल में और y 1 दो लाइन ऊपर. ठीक, ले लिया कि y1 और x5, अब इस दोनों पॉइंट को पकड़ के हमने एक लाइन खींच ली. ओके, सेकेंड इक्वेशन हमारा था x प्लस y इज इक्वल टू 36. यहाँ क्या क्या वैल्यू आ रही थी, तो एक आ रहा था हमारा कि जब हमने y0 रखा तो x 36 आया, और y10 रखा तो x 26 आया. y0 रखा तो x 36 आया, क्लियर, 35 से दो लाइन आ गए,
36 हो गया, दो लाइन क्यों ले रहे हैं, तो 35 और 40 पांच का ही गैप है, और इसके अंदर हमें पता होता है कि 10 लाइन होता है, तो इसका मतलब दो लाइन के एक एक यूनिट के बराबर होगा। तो यहाँ दो लाइन हमारा 35 से 36 फिर 37 38 39 40 हो जाएगा। तो 36 और 0 सेकेंड हमारा क्या है कि जब हमने x को 10 रखा था तो y को 10 रखा था तो x 26 आ रहा था, y 10 x 26 यहाँ से दो लाइन आगे ले लिए, फिर इन दोनों पॉइंट्स को पकड़ के हमने लाइन खींच ली। अब क्या देख रहे हैं, ये दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे हमारी x और y कितनी है, तो x है हमारा 20 और y है हमारा 16। दैट मीन्स x हम किसे माने थे, तो x माने थे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, लंबाई माने थे तो वो 20 आ गया, और y माने थे चौड़ाई जो हमारा 16 आ गया। तो यही दोनों हमारा आंसर है कि लंबाई जो है वो 20 मीटर है और चौड़ाई जो है वो हमारी 16 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म इज इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, और नेक्स्ट है हमारा कोइंसिडेंट लाइंस। बात समझिए, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, हमें एक दूसरा इक्वेशन लिखना है जो कि पहले फर्स्ट फॉर्म कह रहा है कि वो आपस में इंटरसेक्ट करे, दूसरा कह रहा है कि पैरेलल हो, और तीसरा कह रहा है कि कोइंसिडेंट लाइन हो। कैसे होगा, हम पीछे पढ़ रहे थे, सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन क्या है, तो 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, हमें क्या करनी है, इंटरसेक्टिंग लाइन निकालनी। इंटरसेक्ट कब करता है, जब a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 आपस में इक्वल नहीं होता है। तो इक्वेशन हमारे पास ये है, हमें अनदर इक्वेशन इस हिसाब से लेना है कि उनका रेशियो सेम ना आए। बहुत सिंपल है, एक नंबर का क्वेश्चन ये पूछता है कि एक इक्वेशन आपको दे देगा और इस तीनों फॉर्म में से कोई एक फॉर्म आपसे पूछ देगा कि इंटरसेक्ट करे, पैरेलल करे, कोइंसिडेंट करे। इक्वेशन ये है, मैंने अज्यूम किया अपनी तरफ से इक्वेशन 4x प्लस 9y माइनस 32 इज इक्वल टू 0। आप क्या देख रहे हो, 2 अपॉन 4 1 बाई 2 होगा, 3 अपॉन 9 1 बाई 3 होगा, 8 अपॉन 32 1 बाई 4 होगा। तो अलग अलग आ गया 1 बाई 2 1 बाई 3 1 बाई 4 बिल्कुल है, तीनों ही एक दूसरे के इक्वल नहीं है। सेकेंड कह रहा है कि पैरेलल हो, समझ गए, पैरेलल कब होगा, जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल हो बट c1 अपॉन c2 इक्वल ना हो। फिर हमारे पास गिवन इक्वेशन तो ये था 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, अब ऐसा एज्यूम करना है कि इन दोनों का रेशियो a1 a2 b1 b2 इक्वल हो लेकिन c1 c2 इक्वल नहीं हो। अब देखो मैंने 4x लिया, 6y लिया और यहाँ 24 ले लिया, 1 बाई 2 होगा, a1 बाई 18 निकालोगे आप 3 बाई 6 1 बाई 2 होगा, b1 बाई b2, लेकिन c1 बाई c2 क्या होगा, 1 बाई 3। तो आप क्या देख रहे हो कि ये दोनों तो इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है। थर्ड है कोइंसिडेंस लाइन हो, अर्थात तीनों ही आपस में इक्वल हो, a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2, ठीक है, संपाती रेखा। ये था इंटरसेक्टिंग, प्रतिच्छेदी, समांतर और संपाती। संपाती कब होगा, इक्वेशन हमारा गिवन क्या है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो दूसरा मैंने एज्यूम कर लिया 8x 12y 32। आप देखो रेशियो निकालोगे a1 बाई 2 1 बाई 4, b1 बाई b2 1 बाई 4, c1 बाई c2 1 बाई 4 निकालना आपको आता है, मैंने लास्ट वीडियो में सिखाया है, फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन में, तो निकल गई। अब क्या देख रहे हो कि तीनों आपस में इक्वल है तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन एक्स माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। हमारे पास दो इक्वेशन है, एक है x माइनस वाई प्लस 1 0 और दूसरा है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिकल्स वर्टिसेस ऑफ द रेक्टेंगुलर फॉर्म बाय देयर लाइन एंड द x एक्सिस एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन। कह रहा है कि इन दोनों इक्वेशन से आप इनकी वैल्यूज निकालो, डिटरमाइन करो, और फिर आप ग्राफ पे देखोगे कि एक ट्रायंगुलर शेप में हमारा ग्राफ, ये लाइन एक दूसरे को कट करेगा, और उस ट्रायंगुलर रीजन को हमें क्या कर देनी है, सेट कर देनी है। तो सबसे पहले तो हम वैल्यू चार्ट निकालेंगे, काम स्टार्ट करेंगे, फिर आगे देखेंगे, है ना। क्या है इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन एक्स माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, शिफ्ट किया मैंने नंबर पहले शिफ्ट किए तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस वाई, इधर जाके प्लस हो जाएगा, मैंने बताया था कि एक तरफ शिफ्ट कर लेंगे ताकि ईजी होगा। अब वाई की वैल्यू फिर से रखेंगे,
मैंने y क्या रखा, 1 रखा, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 प्लस 1 0। दूसरी बार मैंने y क्या रखा, 2 रखा, तो x क्या हो जाएगा माइनस 1 प्लस 2, 2 में से 1 गया 1, तो वैल्यू चार्ट आप देख रहे हो, जो 1 रखे तो x 0 आया और 1 2 रखे तो x 1 आया। सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ हम ले लेंगे, सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या है, तो 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y, 12 को उधर शिफ्ट कर लिया, अब इन दोनों में से किसी एक को कर लेते हैं, मैंने y को उधर शिफ्ट किया तो 3x इज इक्वल टू 12 माइनस 2y, देन x इज इक्वल टू 12 माइनस 2y अपॉन 3। अब जो उधर गया इसकी वैल्यू हम रखते हैं, y पहली बार क्या रखा 0, तो 12 माइनस 0 अपॉन 3, 12 अपॉन 3 4, तो जब y 0 रखा तो x 4 आया, जब y 3 रख रहे हैं तो x क्या आएगा, आप कुछ भी रख सकते हो, डजेंट मैटर कि अगर पॉइंट में जा रहा है, ग्राफ पे क्लियरली पॉइंट हमें होता है, टेन लाइन होता है, बीच में पॉइंट हम खींच लेते हैं, लेकिन ट्राई करते हैं कि बिना पॉइंट का आए तो और बेटर होता है, गलत होने की चांसेस होती ही नहीं है। जब मैंने y 3 रखा तो x क्या आया, 12 माइनस 2 इंटू 3, 12 माइनस 6 अपॉन 3, तो 2 आया, दैट मीन्स जब y 3 रखा तो x हमारा 2 आया। अब हम इसका ग्राफ देखेंगे, पीछे वाले इक्वेशन का हमने बॉक्स देखा तो ये दो था 0 1 1 2, आप देखो पीछे वाला इक्वेशन हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, जब x 0 था तो y 1 आ रहा था, क्लियर देख रहे हो, x 0 है यहाँ पे और y 1 है, ठीक है, और सेकेंड था कि जब x 1 और y 2, x 1 है और y 2 है, क्लियरली ये हमारा x 1 है और y 2 है, इन दोनों पॉइंट्स को लेके हमने ग्राफ खींच लिया। अभी ये हमें नहीं देखना कि ये पॉइंट मैंने कहाँ से लिया, ये आपको नहीं देखनी है, आपको इन दोनों पॉइंट को लेके स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है, खींच लिया, ओके। सेकेंड इक्वेशन था हमारा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, फिर उसकी वैल्यू चार्ट देखेंगे तो वो क्या था, 0 4 और 3 2, जब y 0 था तो x 4 था, जब y 0 था तो x 4, देख रहे हो x 4 y 0, और दूसरा हम देख रहे थे कि जब y 3 था तो x 2 था, x 2 y 3, ओके, तो ये दो वैल्यू हैं 4 0 और 2 3, फिर इन दोनों पॉइंट्स को हमने पकड़ के लाइन खींच लिया। आप क्या देख रहे हो, ये लाइन हमेशा लाइन बढ़ा के दोगे ऊपर नीचे, हमेशा याद रखना, ये लाइन कहाँ कैंसिल हुआ, इस पॉइंट पे, बट हमें इस क्वेश्चन में ये नहीं पता करना कि x क्या आ रहा है y क्या आ रहा, हमें कह रहा कि अब वर्टिसेस निकालो ट्रायंगल की, एक त्रिभुज की हमें शीर्ष निकालनी है, तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ कैंसिल हुआ, यहाँ कहाँ कहाँ लाइन पे कैंसिल हो रहा है, x एक्सिस और y एक्सिस पे, तो तीन जगह, ठीक, इसको मैंने a एज्यूम किया, इसको b किया और इसको c किया, और ये वर्टिसेस हमें फाइंड करनी थी, तो यहाँ 2 3 था, इस पॉइंट पे जो कट रहा है तो ये क्या है, x माइनस 1 और y 0 है, तो ये हो गया माइनस 1 0, और इस पॉइंट पे x 4 और y 0, तो a b c हमारे तीन वर्टिसेस मिल गए, यही हमारा आंसर है। आई होप यू लाइक माई वीडियोज, इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।